प्रतिमा एक बार फिर अपने मठ में पुनर्स्थापित होने जा रही है और इसमें जिनका सबसे बड़ा योगदान है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, उनके कार्यकाल में ही यह संभव हो पाया है कि माता रुक्मणी की प्रतिमा अपने मठ में पुनर्स्थापित होने जा रही है। हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि कितना ऐतिहासिक मौका है यह दमोह जिले के लिए। जी मंत्री जी, कितना ऐतिहासिक मौका है ये दमोह जिले के लिए माता रुक्मणी की प्रतिमा पुनर्स्थापित? देखिए, हमारी विरासत वापस आई है, हमारी श्रद्धा वापस आई है और हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी है वो वापस आई है। और 20 साल से ज़्यादा का अंतराल, इस ज़िले के लोगों ने जो दंश भोगा है, जो व्यथा उनके मन के भीतर थी, वो आज शांत हुई है। दमोह के म्यूजियम में आकर भी लोग संतुष्ट नहीं थे, खुश थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में अभिलाषा थी कि मूर्ति जाकर उसी स्थान पर स्थापित हो जहाँ से वो गई थी, और आज वो सुविधन है। तो ये सच है कि आज राधाअष्टमी है और नाते आज का दिन शुभ है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि यदि इस बात के लिए कोई जिम्मेदार है जिसके लिए आभार व्यक्त होना चाहिए तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि उनने ये तय ना किया होता, चोरी मूर्तियाँ जाती थी और संग्रहालय में जाकर रख दी जाती थी, वापस कभी नहीं आती थी। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कमाल है कि आज रुक्मणी देवी की प्रतिमा ग्यारसपुर से दमोह आई और दमोह से आज कुंडलपुर जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री इस यश के पात्र हैं। मैं अपनी तरफ से, मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र की तरफ से, बुंदेलखंड की तरफ से प्रधानमंत्री का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज जिन लोगों ने स्वप्रेरणा से इतना स्वागत, सत्कार, उत्साह, खान पान जो दिया है, उनके प्रति मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं उन सबका दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं मूर्ति स्थापना के बाद? मूर्ति के यहाँ पहुँचने में जो विलम्ब हुआ है वो कारण मूल सुरक्षा ही था, कि जब तक सुरक्षा की गारंटी ना हो वो मूर्ति संग्रहालय से यहाँ पर नहीं रखी जा सकती थी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्री का, वहाँ के ASI के डायरेक्टर जनरल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सुरक्षा के लिए 4 सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं जो यहाँ पर लगातार रहेंगे, और इसलिए प्रांगण और मूर्ति सुरक्षित रहेगी, ये गारंटी भारत सरकार ने दी है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनके प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है कि माता रुक्मणी की मूर्ति एक बार फिर मठ में स्थापित होने जा रही है। इंडिया न्यूज़।